शरीर के बदल में आता है तो फिर वो कलम आपके सामने लेके आता है। और जिस तरह डॉक्टर दारुलदार साहब ने बताया कि इंग्लिश का लफ्ज है कलम, जिसको ऐसा हमने अपने उर्दू में भी बना लिया है। और आप जानते हैं जब तक कलम दुरुस्त नहीं होते उस वक्त तक किसी इमारत की तामीर मुकम्मल नहीं हो सकती। जब हम कौमों की इमारत बनाते हैं तो सबसे पहले उसके कलम का तय करते हैं कि हमने कौन कौन से कलम बनाते हैं, जिसको उर्दू में आप कलम भी कह देते हैं। इस हवाले से शायर अपने जमीर को शेरों में डालता है तो कलम अपने जमीर को और माफ़ जमीर को कलम में डालता है और तहरीरें बनाकर अखबार के सामने पेश कर देता है। और अखबार जो एक कागज का टुकड़ा है, कचरे में जाने वाला अखबार होता है, जिसमें बाद में सिर्फ रोटियां लपेटी जाती हैं या सिर्फ पैकिंग के काम आता है या गाड़ियों के शीशे साफ करने के काम आता है, लेकिन उसमें कलम जिंदा रहता है और अपनी जिंदगी तलाश करता है। मीडिया का दौर आया तो लोग समझे कि शायद कलम खत्म हो जाएगी, कलमकारी अपनी मोहताज आ जाएगी, लेकिन आप देखते हैं वही कलमकार मीडिया के जुड़े बन गए। आज टीवी चैनल पर एक एक घंटे के प्रोग्राम पूरे कलमकार को होते हैं। कौन है जो जवेद चौधरी को उसके कलम की वजह से जानते हैं? कौन लोग हैं जो मौलिया मकबूल जान को उसके कलम की वजह से देखते हैं और सुनते हैं? और उनका इस तरीके से कलमकारों ने अपने कलम की ताकत को मिलवाया और उनकी किताबों के मजमूए भी तकसीम हो रहे हैं, फरोख्त हो रहे हैं और हर जगह पे बिक भी रहे हैं और उनकी मार्केट वैल्यू भी है। अभी मैं बात कर रहा था कि लिफाफा जर्नलिज्म क्या है। जब लिफाफा आपको मिलेगा, आपको पैसे मिलेंगे, आप बिक जाएंगे, अपना जमीर बेच देंगे, कौम आपका इंतजाम करेगी, कड़ा इंतजाम करेगी, जमीर से पकड़ेगी और उसे जीतेगी। हाँ, उसका वालिद वारिस मीर हो, लेकिन जब उसके वारिस बन जाते हैं ना वो वारिस रहता है ना मीर रहता है। हमने वारिस मीर का जमाना देखा है, वारिस मीर को हमने सुना है, उस दरवेश और कलंदर आदमी को जिसने अपने कलम की गुरमत को बरकरार रखा और लोगों को बताया कि कलम की गुरमत क्या होती है। और ये जानी जो रोशनाई जिसे आप कहते हैं, ये खून से ज्यादा मुकद्दस होती है और लोगों की नजरों में इंसान उस वक्त तक मोहतरम नहीं हो सकता जब तक वो साहबे सैफो कलम नहीं हो सकता। और ये कलम सैफ है, तलवार से ज्यादा तेज है। पेन इज माइटियर देन सोर्ड, आप ये जानते हैं कि कलम हमेशा से ही शमशीर से ज्यादा तेज रहा है। कलम की काट के सामने तलवारों की काट मान पड़ जाती है, क्योंकि कलम कभी कुंद नहीं होता, शमशीरें कुंद हो जाती हैं। और अजल से ही बादल की गरज तकबीरों में, बिजली की कड़क शमशीरों में, ये हमेशा से इशारों